नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। तो उत्तराखंड के महासंग्राम में बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां पर अब विकास कार्य प्रगति पर होंगे। विशेष रूप से जिलों में छोटे और बड़े निर्माण कार्यों में तेजी आएगी। इसका कारण ये है कि सरकार ने 8 मंत्रियों को 13 जिलों का प्रभार सौंपा है। प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति के संबंध में शासन ने आदेश जारी कर दिए हैं। गौर हो कि धामी सरकार बीते मार्च महीने के अंतिम हफ्ते में 4 महीने का लेखानुदान लाई थी। जिला योजना के बजट के उपयोग को लेकर सरकार की ओर से विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। चालू वित्तीय वर्ष में जिला योजना के लिए 733.72 करोड़ का बजट निर्धारित है। 50% बजट का उपयोग पुराने शेष कार्यों को पूरा करने में होगा। न्यूनतम 15% राशि स्वरोजगार से संबंधित योजनाओं पर खर्च की जानी है। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि धामी सरकार के मंत्री सीएम की नहीं सुनते हैं। कांग्रेस का कहना है कि अब 3 महीने बाद सरकार को मंत्रियों को प्रभार देने की याद आई है। जिला योजना का बजट खर्च नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि मंत्रियों को जिलों का प्रभार देने से कुछ भी नहीं होगा, इसका फॉलोअप भी करना होगा। दूसरी ओर मंत्रियों पर इस समय ज्यादा प्रेशर भी है। एक तरफ तो जिलों का प्रभार संभालना और दूसरा अपने 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड सरकार के सामने पेश करना। आपको बता दें कि एक हफ्ते बाद 30 जून को पुष्कर सिंह धामी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। 23 मार्च को जब मुख्यमंत्री धामी ने शपथ ली थी, तब शपथ के साथ ही बीजेपी संगठन और सरकार द्वारा 100 दिन का टारगेट भी तय कर दिया गया था। लिहाजा अब सरकार के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड भी चेक किए जाने का समय पास आ रहा है। कैबिनेट मंत्री पूरी शिद्दत से ये रिपोर्ट तैयार करने में जुटे हुए हैं। जो हमारे जिले हैं, उन जिलों के लिए प्रभारी मंत्री का जो मनोनयन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जाता है, और कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी माननीय मंत्रियों को और उनके लिए जिलों का आवंटन किया प्रभार के रूप में। तो पहले तो मैं उनका धन्यवाद कर रहा हूँ कि मुझे एक्सटीरियर उत्तरकाशी का जिम्मा दिया है, और निश्चित रूप से इनमें जो विकास योजनाएं हैं उनका जो क्रियान्वयन है वो बढ़ेगा स्वाभाविक रूप से, और जनता का या वहाँ के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों का और सरकार के बीच का जो समन्वय है वो प्रभारी मंत्री के माध्यम से होता है, और लोगों को एक आस भी रहती है। लोगों को एक लगता है कि भाई हमारे प्रभारी मंत्री होंगे तो हमारी ईजी अप्रोच होगी, तो उससे विकास कार्यों में या समस्याओं के निराकरण में गति आती है, और ये पहले से परंपरा बनी हुई भी है। और प्रभारी बनने के बाद निश्चित रूप से एक हमारी जो क्षमताएं हैं उस अनुरूप हम जनता के काम में जो हमारी भावनाएं हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारे प्रदेश के लोगों को जो भी हम जितना राहत दे सकें वो दें, उस नाते हम काम करेंगे। जिला योजना के काम तो होंगे, साथ ही साथ क्या आप वहाँ पर कैंप भी करेंगे ताकि वहाँ के लोग समस्या, जो भी हमारे से संभव होगा हम हर काम करेंगे। कैंप करना हुआ कैंप करेंगे, वहाँ रहना हुआ रहेंगे, हम लोगों का आना जाना भी रहेगा, और सामान्यतः जो भी जिम्मेवारी जिस प्रकार की माननीय मुख्यमंत्री की अपेक्षा है उस अनुरूप हम लोग काम करने का प्रयास करेंगे। आज लगभग जब 3 महीने पूरे होने वाले हैं तो धामी सरकार ने निर्णय लिया है मंत्रियों को जिले का प्रभारी बनाकर नियुक्ति देने की, लेकिन आज तक जो परिपाटी हमने देखी है कि मंत्री ना तो मुख्यमंत्रियों की सुनते आए हैं ना अपनी भूमिका को गंभीरता से लेते आए हैं। यदि लेते होते तो आज जिलों का ये हाल ना होता कि जिला योजना का जो पैसा है वो वैसे ही पड़ा है, जिला योजनाओं में खर्च नहीं हो पा रहा है। ऐसे में ये भविष्य गर्भ में है कि ये मंत्री कितनी मुख्यमंत्री की सुनेंगे या इन नियुक्तियों को गंभीरता से लेंगे और अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन करेंगे। ऐसे में ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने जैसा लगता है, या सिर्फ नियुक्तियां भर कर देने से कुछ नहीं होता, तो उसका फॉलो अप भी करना जरूरी है, ये धामी सरकार को समझना होगा। तो फिलहाल 30 जून को पुष्कर सिंह धामी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, यानी कि अब 30 जून को जो तमाम मंत्री हैं, विधायक हैं, उनको अपना रिपोर्ट कार्ड जो है वो पेश करना होगा कि उन्होंने पिछले 100 दिन में क्या कार्य किए। अब दूसरी ओर एक और कार्य उन्हें सौंप दिया गया है, जहां पर यह अहम फैसला लिया गया कि 13 जो जिले हैं उत्तराखंड में उनका सभी का प्रभार 8 मंत्रियों को सौंपा गया है। ये 8 मंत्री अब ये तय करेंगे कि आगे ये जो 13 जिले हैं इनमें किस तरीके से विकास कार्य होंगे। ये तमाम जो फैसले होंगे ये मंत्री करेंगे, और इन्हीं को ये जो
विकास कार्य हैं ये करवाने होंगे, क्योंकि जो मंत्री हैं वो विकास कार्य नहीं करवा पा रहे हैं, इसी वजह से धामी सरकार ने ये फैसला लिया। अब इसको लेकर ये भी कहा जा रहा है कि धीरे धीरे बीच बीच में इसका फॉलोअप भी होगा कि आखिर जो मंत्री हैं वो कार्य पूरे तरीके से कर रहे हैं या नहीं, जो 13 जिले हैं उनमें विकास कार्य हो रहा है या नहीं, ये तमाम जो चीज़ें हैं वो अब धामी सरकार खुद इसका फॉलोअप लेगी। अब देखना होगा कि इसमें जो ये फैसला लिया गया है इससे क्या वाकई विकास कार्य गति पकड़ेंगे। और दूसरी ओर बात ये भी है कि 13 जिलों का जो प्रभार 8 मंत्रियों को सौंपा गया है, इसमें कांग्रेस कहीं ना कहीं जो है नाखुश दिखाई दे रही है। कांग्रेस का कहना है कि पहली बात तो 3 महीने बाद याद आई है सरकार को कि मंत्रियों को प्रभार सौंपा जाना है, और दूसरी बात ये कि प्रभार सौंपने से कुछ नहीं होगा, मंत्रियों के काम का फॉलोअप भी लेना होगा। और इसके साथ कांग्रेस ये भी कह रही है कि जो रोजगार जिला योजनाएं जो है उसमें जो पैसा है बजट जो है वो पूरे तरीके से खर्च नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से विकास कार्य जो है वो रुके हुए हैं। और इसी को लेकर लगातार कांग्रेस जो है वो सरकार पर आरोप भी लगा रही है। आपको बता दें कि इससे पहले लेखानुदान दिया गया था जो 4 महीने का था, जिसमें से इस समय अंतिम हफ्ते में 4 महीने का लेखानुदान लाई थी जब सरकार आई थी। धामी सरकार बीते मार्च के महीने में अंतिम समय में ये लेखानुदान लेकर आई थी। चलिए, तो जिस तरीके से मंत्रियों को प्रभार सौंपा गया है, प्रभारी मंत्री नियुक्त किए गए हैं जिलों के लिए, उसमें अब कांग्रेस अलग आरोप लगा रही है और बीजेपी कह रही है कि इससे विकास कार्य प्रगति पर होंगे। अब देखना होगा कि इसमें क्या होगा। बहरहाल इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। सूरज सिंह नेगी जी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं, विनय गोयल जी प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं, और इसी के साथ दिनेश शक्ति त्रिखा जी वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एनवी न्यूज़ पर। सबसे पहले विनय गोयल जी आपके पास आना चाहूंगी, और सबसे पहला सवाल आपसे ये कि आखिर जो ये प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति की गई है इसमें किस तरीके से विकास कार्य प्रगति पर होंगे, विस्तार से जरा समझाइए। देखिए, ये हमेशा से सरकारों का पैटर्न रहा है और हमेशा प्रत्येक सरकार में मंत्रियों को कुछ जिलों का प्रभार दिया जाता है जहाँ के विकास योजनाओं की देखरेख करने के लिए, उसकी समीक्षा करने के लिए, वहां की योजना बनाने के लिए मुख्य रूप से प्रभारी मंत्री प्रमुखता से इनिशिएटिव लेते हैं और उन जिलों के विकास की अच्छी योजनाएं बने और उनका अच्छी तरह से क्रियान्वयन हो और जनता को जो योजनाएं जनता के लाभ के लिए चलाई जा रही हैं उन सभी योजनाओं का भरपूर लाभ जनता को मिले, इस उद्देश्य के साथ हमेशा सरकारें प्रभारी मंत्री की घोषणा और नियुक्ति करती रही हैं। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से जिन मंत्रियों को जिन जिलों का प्रभार दिया गया है वहां उनके प्रभारी मंत्री बनने से वहां की विकास योजनाओं को गति मिलेगी, वहां की जो आम जनता की योजनाएं हैं उनका लाभ उन तक पहुंचेगा और निश्चित रूप से उससे आम जनता को लाभ होगा। ठीक है, सूरज सिंह नेगी जी, प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति कर दी गई है, 8 मंत्री रखे गए हैं 13 जिलों के लिए, क्या कह रही है कांग्रेस? देखिए मुस्कान जी, ये प्रभारी मंत्री जो केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को पैसा दिया जाता है पंचायती राज के तहत, उसमें एक व्यवस्था है कि जिले का प्रभारी मंत्री उसकी अध्यक्षता करेगा और हमारे जितने जिला योजना समिति के सदस्य हैं वो हमारे स्थानीय निकाय और पंचायतों से आते हैं, जिला पंचायतों से, तो एक पूरी व्यवस्था है कि पूरे जिले योजना को का जो है उसमें पूरे जिले के लिए तमाम जो विभाग है हमारे उन विभागों की योजनाएं उसमें बनाई जाती हैं। पिछले लंबे समय से प्रभारी मंत्री न होने की वजह से सबसे पहले तो आप ये देखिए कि कोरोना काल के कारण 2019 में जो है त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव हुए, जिला पंचायतों का गठन हुआ और जिला पंचायतों के गठन होने के बाद भी जो है जिला योजना समिति का गठन नहीं हो पाया, तो जो हमारे सदस्य
समिति के जो सदस्य हैं जिला योजना समिति के, तो वो जिला पंचायत के सदस्यों से और स्थानीय निकायों से उसका प्रतिनिधित्व होता है, वो उसमें काम करते हैं। प्रभारी मंत्री उसके जो है अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं उसमें। तो काफी लंबे समय से जो है ये हमारे जो जिला योजना का पैसा है, इस योजना ये योजना जो है मजाक बनकर के रह गई है। प्रभारी पहले तो डीपीसी के सदस्य नहीं थे, तो केवल जो है अधिकारियों की सिफारिशों पर और विधायकों की सिफारिशों पर ये काम होते रहे हैं और जैसे जिसकी मर्जी हुई है। अब सरकार के गठन के जो है 3 महीने पूरे हो गए हैं और 3 महीने बाद जो है धामी जी को सुध आई है कि कहीं जिला योजना समिति के बैठ के होनी है, जिले के विकास का खाका तैयार होना है, विभागों का बजट आवंटन होना है, तो ये जो है अब उन्होंने जो है इसकी सुध ली है। तो निश्चित तौर पर 3 महीने का समय विलंब हुआ इसमें और कोरोना के बाद तो लगता है कि जैसे हमने जिला योजनाओं को जो है बिसरा दिया, जो केंद्र से सीधा पैसा पंचायतों के लिए आता है और उसका खर्च जो है जिला योजना के माध्यम से होता है। तो व्यवस्था रही है पहले भी कि अगर पहले तो राज्य सरकारें जो है इस प्रकार से जिला योजना समितियों की उपेक्षा करती रही है और जब केंद्र ने ये शक्ति दिखाई कि जब तक आप जिला योजना समिति के सदस्यों का चुनाव नहीं करेंगे, जिला योजना समिति का गठन नहीं करेंगे, तब तक आपको जो है बजट जो है रिलीज नहीं होगा। इसलिए पिछले कार्यकालों में सरकारों के सामने जब एक समस्या पैदा हुई तब उन लोगों ने डीपीसी का चुनाव कराया, जिला योजना समितियों का गठन कराया और उसके अनुसार का फिर बजट नहीं लीज हुआ। पर पिछले 2-3 सालों में कोरोना के कारण ये जो 2019 में पंचायतों के त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव हुए हैं, अब आप देखिए कि नगर निगम के जो हमारे साथी हैं उनका तो कार्यकाल ही समाप्त होने वाला है और पंचायतों का भी कार्यकाल जो है लगभग आधा हो गया है। अब जिला प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति हुई है, अब जिला योजना समिति के बैठकें होंगी, जो विकास के कार्य हैं काफी मतलब पिछड़ गए हैं और सरकार ने मंत्रियों की नियुक्ति में बहुत ज्यादा समय जो है लगा दिया है। ठीक है विनय गोयल जी, मैं आ रही हूँ सवार एक बार फिर से। विनय गोयल जी, इतना समय लगा दी, लगभग 3 महीने की देरी हुई है मंत्रियों की नियुक्ति में और जिस तरीके से बताया कि पंचायती जो मंत्री उनका भी, पंचायत के जो सदस्य हैं उनका भी आधा कार्यकाल जो है वो समाप्त हो चुका है, तो आखिर इस ऐसे में किस तरीके से जो विकास कार्य है वो प्रगति पर होंगे? कह तो दिया है सरकार ने कि विकास कार्य प्रगति पर होंगे और कांग्रेस का तो ये भी आरोप है कि जो बजट आवंटित होता है इन योजनाओं के लिए वो भी पूरे तरीके से इसमें नहीं लगता है। मुस्कान जी, मुझे लगता है कि केवल विरोध के लिए विरोध की राजनीति करना और हर विषय पर कुछ ना कुछ आलोचना के स्वर ढूंढ लेना ये कांग्रेसियों की आदत है। मैं चुनौती के साथ सूरज सिंह नेगी जी से पूछना चाहता हूं कि अपनी किसी भी सरकार के उस समय का उठाकर बता दीजिए अगर इससे पहले उन्होंने कई प्रभारी मंत्रियों की घोषणा की हो। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इन्हें शायद याद नहीं है, पिछले जब सरकार थी उस समय भी हमारे प्रभारी मंत्री थे, जैसे हमारे देहरादून के प्रभारी मंत्री बंसीधर भगत जी थे, मैं उत्तर काशी का संगठन का प्रभारी था तो वहां के प्रभारी मंत्री गणेश जोशी जी थे। तो कोई समय ऐसा नहीं गया जिस समय कोई प्रभारी मंत्री ना रहा हो। अगर इनकी जानकारी में नहीं है तो इनको अपनी जानकारी दुरुस्त करनी चाहिए। ये एक स्थायी व्यवस्था है और उसके अनुसार काम होते हैं और उसके हिसाब से काम हो रहे हैं और मुझे लगता है कि जो प्रदेश की जो भी योजनाएं हैं वो धरातल पर उतर रही हैं। 1.5 लाख करोड़ से अधिक की राशि हमारे केंद्र सरकार के द्वारा राज्य को विकास के लिए उपलब्ध कराई गई है, वो योजनाएं स्वीकृत की गई हैं, उन सभी योजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है, वो काम होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो धरातल पर आ रहा है। पूरे प्रदेश में कोई स्थान ऐसा नहीं है जहां विकास की गंगा ना बह रही हो। अब अगर कोई ना देखना चाहे तो उसका कोई इलाज नहीं किया जा सकता। नेगी साहब, विकास की गंगा बह रही है लेकिन कांग्रेस देखना नहीं चाह रही है और इसका कोई इलाज भी नहीं, ऐसा कह रहे हैं गोयल साहब। देखिए मुस्कान जी, गोयल साहब दूसरी तरफ को ले जा रहे हैं बात मुद्दे को। मेरा कहना ये है कि पिछले जो कार्यकाल रहे हैं आप गोयल साहब, क्योंकि मुझे चुनौती दे रहे हैं, मैं गोयल साहब के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि मैं 30 साल पंचायतों में रहा हूँ,
हमने जो है एक वार्ड सदस्य से लेकर जिला पंचायत तक का सफर तय किया, हमको सारी जानकारियां हैं। मेरा कहना यह है कि 2019 में जिला पंचायत के चुनाव हुए, 2018 में नगर निगम के चुनाव हुए, आप ये कह रहे हैं कि मैं इन पे आरोप लगा रहा हूं कि इन्होंने प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति नहीं की। मैंने आपके सामने भी कहा कि 3 महीने हो गए और 3 महीने से सरकार ने जो है नियुक्ति नहीं की है। आप ये देखिए, यही तो मैंने कहा कि 3 महीने की देरी क्यों हुई। जी मैं वही कह रहा हूँ, मैं भी यही कह रहा हूँ उनसे कि 3 महीने की देरी हुई है। और पिछली बार जो है नेगी जी, अभी तक 3 महीने सरकार को बने हुए हुए नहीं। अरे कल आप 100 दिन मना रहे हैं तो 3 महीने में कितने दिन होते हैं भैया? अभी तक 120 दिन होते हैं क्या 3 दिन में? बिल्कुल उंगलियों पे जिम्मे है साहब। गोयल साहब, 3 महीने हो गए, 100 दिन आप जो है कल मना रहे हैं, 100 दिन पूरे हो रहे हैं कल आपकी सरकार को। हाँ तो अभी तो तैयार, सुन लो ना, 3 महीने हो गए, हमारा कहना ये कि 3 महीने हो गए हैं और नगर निगम के चुनाव हुए 4 साल हो गए और जिला पंचायतों के चुनाव हुए 3 साल हो गए, 3 साल लगभग पूरे होने वाले हैं। तो मेरा कहना यह है कि कईयों का तो जो है पूरा कार्यकाल निकल गया, जिला पंचायत के सदस्यों का भी जो आधा कार्यकाल निकल गया। बड़ी मुश्किल से आपने जो है डीपीसी के चुनाव करवाए और इसमें बाध्यता थी, पहले तो इतना बाध्यता थी कि अगर आप डीपीसी का गठन नहीं कराएंगे तो आपको सेंटर से पंचायतों का जो है जिला योजना का जो है बजट रिलीज नहीं होगा। तो ये सरकार के आगे बाध्यता है, अगर इनका बजट न रोका जाए तो मैं तो ये कहता हूँ कि ये चुनाव ही कराने वाले नहीं है। तो पिछली बार मेरा कहना ये है, गोयल साहब आप जरा ध्यान से सुनिए, कि बिना जिला पंचायत के जो सदस्य हैं, जो उनमें से डीपीसी सदस्य जो चुने जाते हैं, स्थानीय निकायों से जो हमारे डीपीसी मेंबर चुने जाते हैं, जिला योजना समिति के जो सदस्य चुने जाते हैं, वो कहीं पर नहीं दिखाई दिए। और बड़ी मुश्किल से आपने पिछली बार उनका जो है कुछ समय पहले चुनाव करवाया है। और मेरा कहना यह है कि 3 महीने अगर आप जो है 15 दिन में सरकार गठन के 15 दिन में, हफ्ते 10 दिन में, 1 महीने में भी अगर आप नियुक्ति कर देते तो अब तक जो है जिला योजना समिति की जो है कई बैठकें हो जाती और जिला योजना समिति की बैठकों में जो है जिले के विकास का जो है जो बेचारे सदस्य चुन करके आए हैं, बड़ी मुश्किल से वो जिला पंचायत सदस्य चुने हैं, उसके बाद उनकी दूसरी सीढ़ी जो है डीपीसी मेंबर की है, तो इतना जो है वो बेचारे चुन के आए हैं, उनका आधा कार्यकाल से ज्यादा, किसी का आधा से ज्यादा चला गया, किसी का आधा कार्यकाल चला गया, और अभी तक उनको जो है अपने जिले की जो विकास की योजनाएं बनानी है, अपने क्षेत्र की जो योजनाएं बनानी है, उसमें उनको मौका आपने नहीं दिया। तो मेरा कहना यह है कि आप विलंब न करें और जो है जो हमारा जो आरोप है, हमारा आरोप यही है कि विलंब हो रहा है और जो पंचायतों की एक परिपाटी है, पंचायतों के जो अधिकार है तो वो अधिकार उन जनप्रतिनिधियों को मिलना चाहिए और यह सरकार का जिम्मेदारी भी है। ठीक है नेगी साहब, थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं, कल के दिन शपथ ली गई थी, 30 जून को 100 साल पूरे हो रहे, माफ कीजिएगा 100 दिन पूरे हो रहे हैं सरकार के। विनय गोयल जी, तो 3 महीने में तो 90 दिन होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक जी। गोयल जी, मेरा कहना ये है कि मैंने एक बात ये भी कही थी सुलभ सिंह नेगी जी, मैंने अपना ज्ञान वर्धन कराना चाहा था कि अपनी कांग्रेस की सरकार के किसी मुख्यमंत्री का मुझे नाम बता दें जिन्होंने की 2-2.5 महीने के अंतर्गत जिला प्रभारियों की नियुक्ति कर दी हो। ये कहना आसान होता है ना, किसी के ऊपर कुछ भी आप बात कह दें, ये सारी प्रक्रिया होती है, पहले मंत्री बनते हैं, कुछ समय मंत्री बनने में लगता है, फिर उनको विभाग आवंटित करते हैं, फिर उसके बाद की प्रक्रिया है कि प्रभारी मंत्री बनाया जाता है, फिर एक प्रोसेस है, हर काम का एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के अनुसार काम हो रहा है, इतना विलंब नहीं है और समय से काम हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो भी काम हो रहे हैं वो सब धरातल पर दिखाई दे रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की अगर हम समीक्षा करें तो रिकॉर्ड काम हो रहे हैं, अगर हम नेशनल हाईवे की बात करें तो रिकॉर्ड काम हो रहे हैं, अगर हम उज्ज्वला की बात करें तो रिकॉर्ड संख्या में उज्ज्वला कनेक्शन दिए गए हैं, रिकॉर्ड संख्या में गरीबों के घर बिजली से कनेक्शन दिए गए हैं, निःशुल्क दिए गए हैं, पानी के कनेक्शन दिए गए हैं, तो सब काम बिल्कुल नए रिकॉर्ड के साथ किए जा रहे हैं और काम धरातल पर उतर रहे हैं। गरीबों को जिनको आवास मिलने हैं वो भी इससे पहले इसकी संख्या में कमी नहीं मिले, वो सारे काम मिल रहे हैं। गरीबों की जो वृद्धावस्था पेंशन थी वो बढ़ाई गई है, जो अन्य आंगनबाड़ी है सभी के मानदेय बढ़ाए गए हैं, सबको सुविधाएं पहुंचाई जा रही है, गरीबों को राशन मुफ्त मिल रहा है। मुझे लगता है कि केवल आलोचना करने के लिए किसी भी बात को कह देना उचित नहीं है, जो काम अच्छा हो रहा है एक दो शब्द उसकी तारीफ में भी कहे जाने के लिए। ठीक है,
अच्छा काम इसमें मैं समझना चाहूंगी आपसे, चलिए ये भी बता दीजिए कि 100 दिन भी पूरे होने वाले हैं, 100 दिन भी ज्यादा दूर नहीं है, एक हफ्ता लगभग रह गया है 100 दिन होने में, क्या क्या कितने कार्य पूरे हो गए हैं 100 दिन में? जो एक कार्य योजना तैयार की गई थी 100 दिन की, कितने कार्य पूरे हो गए हैं? 100 दिन पूरे होने दीजिए, सभी मंत्री अपना अपना डाटा रखेंगे तब आपके सामने सारी बात आएंगी। उससे पहले लगभग मोटा मोटा आंकड़े तो आप बता ही सकते हैं ना, मंत्री रखेंगे उसके बाद सारे अपने सभी मंत्री अपने बताएं। अगर समाज कल्याण विभाग ने ये काम किया है ना कि सारे सारे जो पेंशन की सबकी पेंशन बढ़ाई गई है, पहले हमारे यहाँ वृद्धावस्था पेंशन केवल बुजुर्ग दंपत्ति में से किसी एक को मिलती थी, पति को या पत्नी को। हमारी सरकार ने इन्हीं 100 दिन के भीतर वो दोनों को दोनों से लेकर दी है। इसी प्रकार से हमारे जो हमने कॉमन सिविल कोड की बात कही थी, जो हमारे सामान्य प्रशासन का मुद्दा आता है, उसमें हमने कमेटी बनाने की बात कही थी, उसके लिए कमेटी बना दी गई है। मैं मंत्रियों की कार्य योजना की बात कर रही हूँ गोयल साहब, देखिए मंत्रियों की कार्य योजना की जो मंत्रियों का कार्य था, विधायकों का कार्य दिया था आपने, उनकी मैं बात कर रही हूँ। वो जो विधायक है अपना जो कार्य, सुनिए तो सही, 100 दिन का कार्य जो है वो पहले सीएम को देंगे, सीएम फिर देश के सामने रखेंगे, बीआर संतोष जो है प्रभारी वो पहले इसमें पूरे तरीके से पढ़ेंगे उसे कि कितना कार्य हुआ या नहीं, आपको उसका डाटा मिल जाएगा आपको। चलिए ठीक है, नेगी साहब कह गोयल साहब कह रहे हैं कि डाटा मिल जाएगा, ठीक है 30 तारीख को डाटा मिल जाएगा कह रहे हैं 100 दिन का। देखिए मुस्कान जी, हमारे गोयल साहब बड़े भाई है, हमारे वरिष्ठ हैं, और आप जो है बात हो रही है जिला योजना समिति की, प्रभारी मंत्रियों की, और हमारे गोयल साहब कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, नेशनल हाईवे, उज्ज्वला, बिजली कनेक्शन, वृद्धावस्था पेंशन, दुनिया भर के योजनाएं गिना रहे हैं। गोयल साहब थोड़ा सी आप जरा इतना ध्यान दीजिए कि ये प्रभारी मंत्रियों का काम न तो जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क बनवाना है, न इनका काम जो है नेशनल हाईवे बनवाना है, न तुम्हारा जिला जो प्रभारी मंत्री है न वो उज्ज्वला के कनेक्शन बांटेगा, न वो बिजली के कनेक्शन बांटेगा, न वो वृद्धावस्था पेंशन देखेगा। ये इनका जो काम है, इनका जो पंचायतों के तहत 73 पंचायतों के तहत जो जिला योजना का पैसा आता है केंद्र से, उसका आवंटन करना है, बैठ के करके तय करना है, उसका योजना बनानी है, रूपरेखा बनानी है। जिला योजना समितियों का काम ये है, प्रभारी मंत्रियों का काम ये है। और आप कह रहे हैं कि हमने बिजली के कनेक्शन दिए, वृद्धावस्था पेंशन, अरे सरकार आप ही की सरकार ने पिछली जो है TSR 2 धामी 1 इन्हीं सरकारों में वृद्धावस्था पेंशन जो 2 लोगों को मिलती थी उनको बंद करने का काम आपने किया, जिसके बच्चा 18 साल से ऊपर का है उसकी पेंशन बंद करने का काम आपने किया, उनको आप पेंशन नहीं दे रहे हैं। कॉमन सिविल कोड की आप बात कर रहे हैं, अगर आप बात करेंगे तो पलायन आयोग जो पिछले त्रिवेंद्र रावत जी के समय में बना था, उसका क्या हुआ, उसकी क्या रिपोर्ट आई, कितने लोगों को आपने पलायन रोकने के बारे में बात की? तो ये जो है भ्रष्टाचार रोकने के लिए जीरो टॉलरेंस की तो आप बात करते हैं, कहाँ है वो लोकायुक्त? 100 दिन के अंदर लोकायुक्त लाने की घोषणा करने वाले, पूरे 5 साल की सरकार आपने खपा दी, धामी जी का दूसरा कार्यकाल भी शुरू हो गया, कहीं उस पर बात नहीं आ रही है। और देवस्थानम बोर्ड को वापस लेने का तो आपने काम किया, पर अभी भी जो रजिस्ट्रेशन है वो देवस्थानम बोर्ड के नाम पर आपके हो रहे पंजीकरण जो है यात्रियों के, तो अब स्थिति तो स्पष्ट नहीं है। इस 100 दिन के अंदर सरकार बेरोजगारी के लिए क्या कर रही है, महंगाई को रोकने के लिए क्या कर रही है, और गोयल साहब बहुत लंबे चौड़े भाषण दे रहे थे विकास पर, मैं गोयल साहब को थोड़ा सी अगर आप गोयल साहब अगर थोड़ा सी आप मानसिकता से आगे जो है आपके देहरादून में ही है जो है मात्र 15 किलोमीटर दूर, इससे आगे की अगर आप सड़कों की बात करें, यहाँ के विकास की बात करें, तो जरा थोड़ा सा विकास का मॉडल यहाँ पर आके देख लो कि यहाँ पर कितना विकास हुआ है, कैसे कैसा विकास यहाँ पर है। थोड़ी इसमें जरा देहरादून शहर को जो है स्मार्ट सिटी के नाम पे आपने जो है खड्डे गड्ढों में तब्दील करके रख दिया है, तो जरा थोड़ा सी इस पर भी नजर मार लिया करिए आप। ठीक है, अच्छी बात है, प्रवक्ता है, बड़े वरिष्ठ है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, आपको काफी अनुभव है, पर थोड़ा सा विकास, क्योंकि मैं जो गांव में रहता हूँ, दो चार होता रहता हूँ इन खड्डे गड्ढों से, तो आप जरा थोड़ा सा यहाँ के भी देख लीजिए विकास की कहानी, कि क्या कहानी है यहाँ पर विकास के, कितना विकास यहाँ हो रहा है, कितना उज्ज्वला के लोगों को यहाँ फायदा मिला है, कितने यहाँ पर बिजली के कनेक्शन मिले हैं, कितने पेंशन यहाँ पर लोगों को मिल रही है। गोयल साहब
जरा देख लीजिए, देहरादून की बात कर रहे हैं नेगी साहब और कह रहे हैं कि वहां पर सड़कों में गड्ढे, और वाकई ये तस्वीरें भी हमने दो दिन पहले ही दिखाई थी, सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क, ये भी समझ पाना मुश्किल है, ये समझ ही नहीं आता है, इतने इतने गड्ढे हैं सड़कों में। मुझे मुझे लगता है कि अगर किसी व्यक्ति को केवल नेगेटिव ही देखने की आदत हो तो मैंने जैसा पहले कहा कि उसका कोई इलाज नहीं किया जा सकता, जो पॉजिटिव काम होते हैं वो दिखाई नहीं देते उन्हें। और अगर स्मार्ट सिटी की योजना चल रही है और देहरादून के लिए प्रत्येक क्षेत्र में काम चल रहे हैं, 2000 करोड़ के ऊपर के काम चल रहे हैं, और पिछले दिनों हम सभी जानते हैं कि कोविड के कारण से सारी स्थितियां डाउन हो गई, सब कामों में डिले हो गया, उसके कारण से थोड़ी समस्या आई है, लेकिन कार्य काम चल रहे हैं। अगर आप देखिए जो जितने जगह हमने सीसीटीवी कैमरे लगाने थे वो सीसीटीवी कैमरे लग गए, लेकिन देहरादून में लेकिन सड़कें तो बेसिक सुविधाओं में आती है ना, बेसिक चीजें हैं। मेरा मुझे नहीं लगता, मुस्कान जी आप कौन कौन सी सड़कों पे चलती हैं मुझे आप बताइए, अगर कहीं आपको जो हमारे मुख्य मार्ग हैं, अधिकांश मुख्य मार्ग ठीक है, जिन सड़कों पर कुछ स्थान पर स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है वहाँ उन कामों के चलते, उन विकास कार्यों के चलते अभी थोड़ा देर लग रही है, कोई भी सड़क अनअटेंडेड नहीं है जिस पर कोई विकास कार्य नहीं चल रहा हो और उसमें गड्ढे हो, ऐसी एक भी सड़क का नाम आप नहीं बता सकते, मैं चुनौती देकर कह सकता हूँ। लेकिन जहाँ विकास कार्य चल रहा है ये मैं मान स्वीकार करता हूँ कि थोड़ा कोरोना पीरियड लंबा खिंच जाने के कारण से जो काम बहुत जल्दी पूरे हो जाने चाहिए थे, जिनका लाभ हमें अब तक मिल जाना चाहिए था, उनमें डिले हो गया है, और उसके लिए पूरी सरकार, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी और हमारे प्रभारी मंत्री जी ने भी, हमारे जिलाधिकारी ने भी स्मार्ट सिटी के काम देखने वाले लोगों को बहुत सख्त हिदायतें दी है और उन पर जुर्माना लगाने तक की बात कही है, FIR कराने तक की बात कही है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये स्थितियां भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। बाकी शेष सड़कें बिल्कुल चकाचक है, आप किसी भी सड़क पर चल के देख सकते हैं। गोयल साहब, परसों ही बात की हमने, कल की तारीख को छोड़ दें तो परसों ही बात की है, देहरादून में स्मार्ट सिटी जो आप बनाने की बात करते हैं, सड़कों की तस्वीरें भी दिखाई है किस तरीके से सड़कों में गड्ढे हैं, नालियों में लोगों के वाहन खड़े हैं, इस तरीके की चीजें देखने को मिली हैं। मैंने बताया ना, जहाँ स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है वहाँ बहुत गहरी खुदाई होनी है, वहाँ पाइपलाइन जल रही है, वहाँ डक्ट बन रही है, ताकि बार बार सड़कें न खोदनी पड़े, उसके लिए उसमें समय लग रहा है, उसके कारण से जिन सड़कों पर स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है मैं स्वीकार करता हूँ कि वहाँ पर अभी परेशानियां हैं, वो भी शीघ्र दूर हो जाएंगी, बाकी शेष सड़कें चुस्त दुरुस्त है। चलिए ठीक है, नेगी साहब मानने को तैयार नहीं है, गोयल साहब वो कह रहे हैं कि जहाँ पर विकास कार्य चल रहे हैं वहाँ पर हो सकता है कि सड़कों में खुदाई हो रही हो, इस वजह से वहाँ पर ऐसी सुविधा ना मिल रही हो, लेकिन देहरादून की जो सड़कें हैं वो वाकई स्मार्ट है, ऐसा कह रहे हैं गोयल साहब। मुस्कान जी ये कह रहे हैं कि हम मान सकते हैं कि जहाँ पर खुदाई हो रही है वहाँ पर तो विकास हो रहा है ना, तो दिक्कतें भी आएंगी, परंतु जब खुदाई हो जाती है उसके बाद भी 6-6 महीने हो गए और सड़कों पे गड्ढे वो जो भरे नहीं जा रहे हैं, वहाँ पर जो है पेंटिंग नहीं हो रही है, पक्की नहीं हो रही है, तो ये इनको दिखाई नहीं देता। और मैंने तो इनको कहा कि अगर थोड़ा सी आप बाहर शहर के बाहर निकल जाए, मालदेवता वाली सड़क पर थोड़ा सी मालदेवता की तरफ गड्ढों को देख लें, और उससे आगे की विकास की कहानी अगर आप देख लें कि हिलास वाली के लिए जो सड़क जो है 2007 में शुरू हुई थी, आज तक उसका क्या हाल है। तो हमारा कहना यह है कि एक ही जगह का विकास कहां पर बैठ के आप विकास देखते हैं, किस चश्मे से देखते हैं, अरे कम से कम वो हमको भी तो दिला दीजिए वो चश्मा जिससे जो है गड्ढे ना दिखते हो, सारा जो है आपको स्मार्ट नजर आता हो। अब केवल कैमरे लगाने भर से देहरादून अगर स्मार्ट होता है भैया, तो अब ये ऐसा स्मार्ट जो है आपको ठीक है ना कि साहब, बात देहरादून पर नहीं है, देहरादून से निकलते हैं, विकास कार्यों की बात करें तो पूरे उत्तराखंड की बात कर लेते हैं, प्रभारी मंत्रियों की हम बात कर रहे थे। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि योजनाओं का जो बजट है जो आवंटित होता है वो पूरे तरीके से, ये कहा गया है कि नहीं लगाया जा रहा है, पूरे तरीके से खर्च नहीं किया जा रहा है, ऐसे आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं आप, तो क्या कोई सबूत है आपके पास? नेगी साहब हेलो जी, आप ही से सवाल मेरा। नहीं, मैं ये कह रहा था मुस्कान जी कि 2.5 साल से जिला पंचायतों का चुनाव हो चुका है, जिला पंचायतों का गठन हुए 2.5 साल हो गए, स्थानीय निकायों के उससे पहले 18 में चुनाव हो गए थे, उनको ज्यादा समय होगा, 3-4 साल का समय उनको हो गया,
मेरा ये कहना है कि जब तक आपने डीपीसी का गठन नहीं किया और उस दौरान जो जिला योजना का पैसा था उसकी आपने किस प्रकार से बंदरबांट की, किसके कहने पर की, कैसे कैसे व्यवस्था से की, वो सबके सामने मिल जाहिर है। मैंने तो एक विधायक जी के बोर्ड लगे देखे कि जिला योजना में जो है विधायक जी प्रस्तुति कर रहे हैं उनका विशेष प्रयास, विधायक जी का विशेष प्रयास जिला योजनाओं में, तो जबकि जिला योजना जो है वो जो त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के हमारे जो जनप्रतिनिधि निर्वाचित होके आते हैं वो उनका अधिकार है और उन लोगों को जिला योजना में बनाया जाता है। अब ये है कि विधायकों की भी जो है उसमें चल रही है जबकि वहां पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, वो त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के लिए है और हमारा उच्च सदन उसमें कहीं नहीं आता, तो इसलिए चुनाव न करवा करके डीपीसी के चुनाव न करवा के 2.5 सालों में जो पैसे की बंदर बांट हुई है वो उसके बारे में मैं उंगली उठा रहा हूँ, उस पर प्रश्न चिन्ह उठा रहा हूँ। चलिए बता दीजिए गोयल साहब, पैसों के बंदर बांट की बात कर रहे हैं नेगी जी। देखिए अगर सूरज सिंह नेगी जी की पार्टी में विधायकों का सूखा पड़ गया है और इनके विधायक नहीं जीत पा रहे हैं तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर सकती। और मैं अगर ये बात कर रहे हैं कि ये भी देहरादून में रहते हैं और देहरादून की स्थिति को जानते हैं, तो अगर आप मेरे साथ आ जाइए मैं आपको जिस समय यहाँ कांग्रेस के विधायक थे उन कांग्रेस के विधायकों के वोट के लिए युद्ध करते हुए फोटो दिखा दूंगा, उनके समाचार दिखा दूंगा जिसमें उनका कोई योगदान नहीं होता था, जबरदस्ती वो अपने वोट लगाते थे। सवाल का जवाब दे दीजिए, बस आप कह रहे हैं वो आधारहीन है, निश्चित रूप से सब मिलकर काम करते हैं और सबका हमारा तो नारा ही है सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास और सबका विश्वास, तो सब मिलकर काम करते हैं। पैसों के बंदरबांट की बात का आरोप फिर क्यों लग रहे हैं आप पर? हेलो गोयल साहब, हेलो जी, पैसों के बंदरबांट के आरोप फिर क्यों लग रहे हैं बीजेपी पर? नहीं मुझे नहीं लगता कि कौन से पैसों के बंदरबांट, क्योंकि कांग्रेस के जमाने में तो यही होता था, अपने समय की बातें याद कर ले, कौन से पैसों की बंदरबांट हो रही है, कहाँ हो रही है, मुझे समझ में नहीं आया। हमने तो इनके कार्यालय में झगड़ा होते सुना है, उन पर आरोप लगाने से अच्छा गोयल साहब थोड़ा स्पष्टीकरण दे दे इस बात पर जो आरोप लगा रहे जिला समिति की जो पैसे है उसमें बंदरबांट की बात कर रहे हैं वो। झगड़े होते सुनिया पैसों की बंदरबांट के पीछे, कौन से पैसों की बंदरबांट कर रहे हैं? गोयल साहब जिला योजना समिति के चुनाव आपने 2.5 साल नहीं करवाए और उस दौरान जिस प्रकार से आपने इस पैसे की जो बंदरबांट की है, जो हमारे सम्मानित जो नीचे सदन के लोग हैं त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के अंतर्गत जो लोग चुनकर के आते हैं उनके अधिकारों पे आपने जो कुठाराघात किया है, उनके अधिकारों का जो आपने हनन किया है आपकी सरकार ने, मैं उस पर प्रश्न चिन्ह उठा रहा हूँ। और उसमें जो बंदरबांट हुई है तो उसके लिए मैं कह रहा हूँ कि जो है आपने उन सदस्यों के जो है जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि थे हमारे उनका अपमान किया है, उनके अधिकारों का आपने हनन किया है, उनके अधिकारों पे आप लोगों ने कुठाराघात किया है और अब सरकार बनने के बाद भी 3 महीने लगाए हैं आपने जो है जिला योजना प्रभारी मंत्री की नियुक्ति में और आज तक जो है 3 महीने आपकी सरकार को हो गए, एक भी बैठक जो है जिला योजना समिति की नहीं हो पाई है। तो मेरा कहना यह है कि जब तक आप जिला योजना समिति की बैठकें नहीं करेंगे, जो नीचे के जनप्रतिनिधि हैं, जो त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के अंतर्गत जो जनता से जुड़े हुए सीधे लोग हैं, उन लोगों की उपेक्षा हो रही है आपकी सरकार में और आप लोग जो है पंचायतों को उनके अधिकार से जो है वंचित कर रहे हैं। गोयल साहब की बंदरबांट का मतलब ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं नेगी जी, क्या कोई ऐसा काम हो गया कि काम नहीं हुआ, किसी ने पैसा हड़प किया या किसी को पैसा मिल गया? अगर आपकी बात को सही मान भी लिया जाए, इसी कारण से डीपीसी के चुनाव नहीं हो पाए, जिला योजना समिति के चुनाव नहीं हो पाए और उसमें विकास कार्य हुए हैं लेकिन उसमें जिला योजना समिति का जो सदस्य चुना जा सकता था वो अगर चुना नहीं गया और वहाँ विकास कार्य हो गए तो इसको पैसों की बंदरबांट कहेंगे आप? पैसा तो विकास कार्य में ही लगा ना, किसी की जेब में तो नहीं गया। देखिए बंदरबांट का मतलब जो है अब कितना किसकी जेब में गया ये तो जांच का प्रश्न है, ये तो योजना बताएंगे कांग्रेस के जमाने में तो बंदरबांट ही होती थी, ये तो मैं जानता हूँ अच्छी तरह से, लेकिन सारा काम धरातल पर हुए। देखिए गोयल साहब,
आज भी जो है जो कोरोना टेस्टिंग मामला है वो भी कांग्रेस के कार्यकाल का है क्या? और जिसने 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 अगर जनता को धोखा देने का काम किया है तो वो जेल भुगत रहे हैं? वो जेल में नहीं है, सबको आपने जो है जमानत दे दी है। जमानत जमानत भारतीय जनता पार्टी देती है क्या? आपकी व्यवस्थाएं हैं, हमारे जमाने में तो लोग जेल होते थे, हमारे जमाने में लोग जेल जाते थे। अभी 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 आपके बहुत बड़े शीर्ष नेता भी तैयारी में जेल जाने की, आप चिंता मत करें। कोई बात नहीं, देखेंगे मैं कितना समझ में दे रहा हूं। ठीक है, चलिए ठीक है। पार्टी परेशान है, पूरी गोयल साहब है, गोयल साहब हेमंत विश्व शर्मा को ले लीजिए, और तृणमूल कांग्रेस से जो आपके यहाँ पर आए हुए हैं बंगाल में उनका देख लीजिए, जब वो उस पार्टी में थे तब उनके पास जो है ईडी के खाते होते थे, उन पर जो है कई मामले होते थे। अब आपके यहाँ के जो है आपके यहाँ ऐसी गुंडाज बैठी है कि जिसमें जो है सारे भ्रष्टाचारियों को आप मिला जुला के जो है पाक पवित्र कर देते हैं, उनको सत्यवादी हरिश्चंद्र बना देते हैं। तो आपके यहाँ फैक्ट्री है ये ऐसे बनाने की? ठीक है चलिए, उत्तराखंड पर रहते हैं नेगी साहब, गोयल साहब उत्तराखंड पर रहते हैं, बाहर जाने की क्या ही जरूरत है हमें? उत्तराखंड में बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बातचीत करने की जरूरत है। बीजेपी में आने के बाद क्या होता है, मंत्री को भी सामान्य कार्यकर्ता की तरह से पंक्ति में बैठना पड़ता है, वो बात उन्हें अच्छी लगी थी। ठीक है गोयल साहब, एक गोयल साहब नेगी जी का एक सवाल है वो मैं पूछना चाह रही हूँ आपसे। नेगी जी का एक सवाल है, वो कह रहे हैं कि 3 महीने बाद आपने प्रभारियों की नियुक्ति की, अब जब समितियों की बैठकें शुरू होंगी, लेकिन इस समय जब बैठकें शुरू होंगी उसमें भी थोड़ा समय लगेगा, न जाने कब बैठकें शुरू होंगी, कब विकास कार्य शुरू होंगे, लेकिन दूसरी तरफ पंचायत सदस्य जो हैं उनका आधा कार्यकाल बीत चुका है, तो आखिर विकास कार्य कैसे होंगे ऐसा पूछ रहे हैं नेगी साहब, ये बता दीजिए। मुझे लगता है कि क्योंकि जो विषय सामने आया है तब अभी बजट पास हुआ है हमारे प्रदेश का, सेंट्रल का बजट आने वाला है, जब आएंगे सारे बजट, आज बजट का पैसा आने में समय लगता है ना, और जैसे ही आएगा उसकी विकास समय की बैठक हो जाएंगी, इसमें बहुत विलंब नहीं है। अभी तो हमारा बजट सत्र शुरू हुआ है, अप्रैल में शुरू होता है बजट सत्र, हमारा वित्तीय सत्र अप्रैल में शुरू होता है और पूरे वर्ष पर ये काम होने होते हैं, कोई अप्रैल में जून में काम नहीं होने होते, पूरे वर्ष भर काम चलते हैं। सूरज सिंह नेगी जी अच्छी तरह जानते हैं, उसका एस्टिमेट बनता है। आप बजट के पैसे की बात करें, बजट का पैसा आएगा कहाँ से ये भी बता दीजिए। अभी अभी थोड़े दिन पहले आपको पता होगा सीएमआई ने एक आंकड़ा जारी किया था, आप ही ने खुद ने बीजेपी ने सदन के पटल पर रखी थी रिपोर्ट, कितना कर्जा उत्तराखंड पर, आखिर पैसे आएगा कहाँ से? मुझे लगता है कि आप बहुत सारे विषयों का झालमेल करना चाहती हैं। बजट मैंने उस समय भी अनेकों स्थानों पर बताया है, हमारी सरकार पे जो भी खर्च है वो विद इन लिमिट है, आउट ऑफ लिमिट हम कहीं नहीं गए हैं। और मैं फिर अगर कहूंगा तो फिर सूरज सिंह नेगी जी को बुरा लगेगा, कांग्रेस की सरकार जहां है जिन राज्यों में, अगर वहां का आप देखेंगे राजस्थान में और जगह पर, तो वो सारी लिमिट इन्होंने क्रॉस कर रखी है, लगभग 42-43% जो इनकी जीडीपी जो राज्य की वो होती है जीडीपी, उसका 42-43% से लेकर 50% तक पहुंच गए हैं, जबकि हम अपने राज्य की जीडीपी के 31% पे आज भी, और कोई भी जो कर्जा लिया जाता है वो ऐसे ही नहीं लिया जा सकता, उसके कोई ना कोई मानक है, जब उन मानकों को पूरे करते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जानकारी दे दूं, पिछले दिनों जब कोरोना का प्रभाव था तो जो हमें सेंटर से जो जीएसटी का राजस्व हानि जो हमें मिलनी थी, वो केंद्र सरकार ने हमें अनुमति दी कि आप उसके बदले कर्ज ले लीजिए, उसको न तो हमें चुकाना है न हमने उसका ब्याज देना है। ऐसे ही बहुत सारी योजनाएं हैं जो अनुदान के रूप में जैसे हमें मिली है, जो कि 50 वर्ष बाद हमने देनी है और जिसके ऊपर कोई ब्याज नहीं देना है, ऐसी जो पैसे को भी उसमें शामिल कर दिया गया है। तो ये टेक्निकल चीजें हैं और हम यही की जानकारी के आधार पर इसके ऊपर चर्चा करते इस विषय को बहुत बड़ा बना देते हैं। और जब सवाल पूछ ले जाए आपसे फिर आप ये भी कह देते हैं कि कई विषयों का घालमेल करना चाह रहे, सवाल ही तो पूछा गोयल साहब। नहीं, अब एक बात बताइए, जो मैंने जवाब दिया अगर इसमें कहीं कोई गलत बात हो तो आप मुझे चुनौती दीजिए, बताइए, मैं करेक्ट करता हूं। ठीक है, वो तो नेगी साहब ने सुना आपका जवाब, उन्हीं से जान लेते हैं। नेगी साहब संतुष्ट हैं आप जवाब से? देखिए मुस्कान जी,
गोयल साहब जो है कई सारी बातें बता रहे हैं, बजट के बारे में बता रहे हैं कि हमारा जो है अभी राज्य का बजट पारित हुआ है। अब आप ये देखिए क्या जो है 1 अप्रैल से लेके और अब तक जो है आपकी सरकार बिना बजट के चल रही है, ये जो खर्चे हो रहे हैं ये कहाँ से हो रहे हैं? और जो जिला योजना समितियां हैं इनकी बैठकें अप्रैल 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 में होनी चाहिए, तो आप अप्रैल हो गया, मई हो गया, अब ये जून भी चला गया, आप जून में जाके अंतिम समय में, तो अंतिम जून में प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति हो रही है, तब ये नियुक्तियां होंगी, फिर उसके बाद जो है हमारी ग्राम पंचायतों से आती है योजना, क्षेत्र पंचायतों से आती है, फिर जिला पंचायत से आती है, स्थानीय निकाय से योजनाएं आती है और उनका पूरा इकट्ठा कर करके जिले में जिला योजना समिति जो उस पर विकास कार्यों पर अंतिम मोहर लगाती है, उससे ये बजट आमंत्रण करती है, तो अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो निश्चित तौर पर जिला योजना समिति का जो बजट है वो केंद्र से आता है और इसमें राज्य सरकार का कहीं कोई रोल नहीं है, राज्य सरकार वो केंद्र का सीधा सीधा बजट है। तो इसलिए जो है ये कह रहे हैं कि हमारा भी बजट बना है फिर हम योजनाएं बनाएंगे, तो हमारा यही तो कहना है कि केंद्र से जो बजट आया है उसमें राज्य सरकार का कहीं कोई रोल नहीं है, और जब राज्य सरकार का नहीं है तो अगर हमारे डीपीसी का गठन हो गया था, प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति हो गई होती, प्रभारी मंत्री जो है बैठके कराते तो उसमें समय लगता है, तो हमारा कहना है कि क्या हम जो है फरवरी मार्च और जनवरी फरवरी मार्च पर योजनाओं को टालते रहे, बजट को जो है सब ले जाकर के खर्च करें, क्यों नहीं हम समय रहते योजना बनाए और उनका समय पर जाए क्रियान्वयन करवाए, क्यों पेंडेंसी रखें? तो हमारा कहना यह है कि जो है सरकार की जिम्मेदारी है कि बजट को समय पर पूरा करे, और वो जो हमारे त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो बेचारे चुनकर के आए हैं बड़ी तमन्ना के साथ में कि हम अपने क्षेत्र का विकास करेंगे, अपने जिले का विकास करेंगे, उन लोगों का 2.5 साल का कार्यकाल आपने निकाल दिया, उनको 2.5 साल में जो है पता ही नहीं लगा अभी तक कि क्या कहाँ पर उनकी जो है राय ली जानी है नहीं ली जानी है, तो इसलिए जो है उनका भी सम्मान करिए, वो भी सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं और त्रिस्तरीय राज पंचायत राज व्यवस्था के अंतर्गत निर्वाचित तो प्रतिनिधि हैं, तो उनके जो अधिकार है उनके अधिकारों पर आप कैंची मत चलाइए, पुखारा घात मत करिए, उनको भी विकास में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने दीजिए। ठीक है, गोयल साहब। देखिए, मैंने सारी बातों का जवाब दिया है और मुझे है, मैं आपको बता सकता हूँ कि पिछली जो जिला समितियों की बैठकें हुई हैं, पिछले जब जिला समितियों की बैठकें हुई तो आपके जो नेता थे उनका क्या व्यवहार रहा, किस प्रकार के वहाँ दृश्य उत्पन्न किए गए, वो देश की जनता भूली नहीं है। मुझे लगता है कि केवल हर जगह हंगामा खड़ा करना, हर जगह अव्यवस्था पैदा करना और उसको होते हुए काम में रोड़ा अटकाना, इसके लिए अगर आप कोई व्यवस्था चाहते हैं तो वो व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं कराई जा सकती। जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं के अनुसार से काम हो रहा है और लगातार उन व्यवस्थाओं का पालन हो रहा है और धरातल पर विकास के काम हो रहे हैं। मैं जैसा पहले मैंने कहा कि अगर जिसे विकास के काम होते हुए दिख नहीं रहे हैं तो उसको तो निश्चित रूप से चश्मा बदलना पड़ेगा, लेकिन विकास के काम लगातार हो रहे हैं। अगर आपकी एकमात्र शिकायत ये है कि साहब जो जिला पंचायतों के या नगर निगमों के जो सदस्य डीपीसी में चुनकर आ सकते थे और वो अपने क्षेत्रों में कुछ काम कराते हैं, क्योंकि आप भी अच्छी तरह जानते हैं, मैं भी पार्टी का अध्यक्ष भी रहा हूँ और ऐसे डीपीसी के सदस्यों को चुनने का भी काम किया है हमने, ज्यादातर सदस्य ये चाहते हैं कि केवल उनके क्षेत्र में काम हो जाए, दूसरे क्षेत्र की कोई चिंता नहीं करता। तो मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में काम हुआ या उस क्षेत्र में काम हुआ उससे बहुत बड़ा अंतर नहीं पड़ता, काम होना चाहिए और काम सारे हुए हैं, हो रहे हैं और होंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि 2.5 साल का कार्यकाल तो उनका गया ना, उनसे सुझाव लेने चाहिए थे, समितियां जब समितियों की अगर बैठक होती तो उनसे सुझाव लिए जाते, ये सवाल है नेगी साहब का कि अगर बैठकें होती। मैं बता रहा हूँ ना कि ऐसा नहीं है कि अगर आप समझ लीजिए मुस्कान जी, समझ जो ये बात कह रहे हैं सूरज सिंह जी वो टेक्निकल बात कह रहे हैं, क्योंकि ये भी पुराने अनुभवी व्यक्ति हैं, सूरज सिंह नेगी जी भी बहुत सीनियर, बहुत संस्थाओं में इन्होंने काम किया है, वो एक टेक्निकल बात कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि विकास योजना मैंने बनाई या आपने बनाई, उसमें
इतना अंतर पड़ता है, लेकिन विकास तो हुआ ना, वो योजनाएं तो बनी ना। हाँ ये हुआ कि मेरी भागीदारी हो सकती थी उस बैठक में, मुझे बैठने का मौका मिल सकता था, बीपीसी सदस्य होने के नाते मुझे बैठने का मौका नहीं मिला, आपको मौका मिल गया और मेरे अधिकारों का हनन हो गया, इनकी शिकायत केवल इतनी है। चलिए ठीक है, नेगी साहब वो कह रहे हैं कि आपको शिकायत सिर्फ इतनी है कि आपके अधिकारों का हनन हो गया, आपको बैठने दिया गया लेकिन हमें बैठने दिया गया। देखिए प्रश्न मेरा नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारे 13 जनपद हैं, नेगी जी मैंने आपका ही मैंने उदाहरण देकर बताने की कोशिश की है, मैंने उदाहरण देकर बताने की। जी 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 मैं यही कह रहा हूँ कि जो हमारे, मैं उन सदस्यों के लिए, क्योंकि मैं तो प्रधान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्थाओं के लिए मैं कांग्रेस सरकार के खिलाफ भी जो है धरना प्रदर्शन में सम्मिलित रहा हूँ और भाजपा सरकार रही है तब भी मैं उसमें सम्मिलित रहा हूँ, क्योंकि जो त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के अधिकार जो पंचायतों के अधिकार हैं उन अधिकारों की कटौती के लिए मैं खुद कांग्रेस सरकार के खिलाफ भी जो है विधानसभा के घेराव में सम्मिलित रहा हूँ। तो मेरा कहना यह है कि निश्चित तौर पर जो हमारे त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के लोग हैं उनके अधिकारों का हनन हुआ है, उनके अधिकारों में उनके जो है अधिकार उनको नहीं मिल पाए हैं, और जहां तक जिला योजना समिति की बात है, जब जो लोग निर्वाचित होके आते हैं उन वो लोग अब बजट किस तरीके से खर्च करते हैं, अपने क्षेत्र में करते हैं या चौमुखी विकास के लिए करते हैं, पूरे जनपद के परिप्रेक्ष्य में योजना बनाते हैं या वो अपने क्षेत्र की योजना बनाते हैं, वो उनके विवेक पर निर्भर करता है। वैसे तो जो है ये सब लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है कि हम जब जिला योजना समिति की बैठकों में बैठे हैं तो किस प्रकार से हमको योजनाएं बनानी है। पूरे जनपद के हिसाब से मुख्यतः तो ये है कि जनपद के हिसाब से योजनाएं बननी चाहिए और उसमें केवल अपने क्षेत्रों का भला ना हो बल्कि पूरे जनपद का प्रतिनिधित्व वो योजनाएं करें, तो इस प्रकार की योजनाएं होनी चाहिए आवश्यकता के अनुसार। जितने लोग सदन में होते हैं, अब विधानसभा में जो बात होती है तो विधानसभा के लोग तय करते हैं, ऐसे जो है हमारे जिला योजना की जो बैठकें हैं, जिला योजना का जो बजट है उस पर हमारे जिला योजना के जो लोग हैं, जो त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के लोग हैं, उनका वो अधिकार है और वो किस परिप्रेक्ष्य में वहां पर योजनाएं बनाते हैं, क्या उनका बुद्धि विवेक है, कितना वो किस क्षेत्र में कर पाते हैं, तो वो उनका दायित्व है। परंतु हमारा कहना ये कि अगर समय से आप जो है जिला योजना समितियों का गठन करवाते, डीटीसी के चुनाव करवा देते, प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति करा देते, और ये हम राज्य सरकारों की भी जिम्मेदारी है कि जो हमारे नीचे की सरकारें हैं, जो हमारी गांव की सरकार है, जो हमारी ब्लॉक की सरकार है, जो हमारे जिले की सरकार है, और उस सरकार में सम्मिलित जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनके जो सुझाव हैं, उनके जो विचार हैं, वो उनका प्रतिनिधित्व तो होना चाहिए और उनको भी पूरा मौका मिलना चाहिए। ठीक है, घूम फिर कर सवाल फिर से वही आ गया है गोयल साहब कि अगर समय से इनका गठन हुआ होता समितियों का तो शायद विकास कार्य शुरू हो चुके होते। मुस्कान जी आपने मेरी बात भी सुनी और नेगी जी की भी बात सुनी, और मैं फिर से ये बात कह रहा हूँ क्योंकि बात देखिए सच कड़वा होता है। अगर कोई भी सदस्य ऐसा जो कोई भी जिला पंचायत सदस्य जो जिला योजना समिति का हिस्सा हो और उसने अपने क्षेत्र से अलावा किसी दूसरे क्षेत्र में कोई विकास कार्य की पैरवी की हो तो आप उंगलियों पर गिनने लायक लोग नहीं ढूंढ पाएंगे। हर क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य हो चाहे हमारा नगर निगम का सदस्य हो, हर सदस्य की कोशिश ये रहती है और इसके लिए वो भरपूर प्रयास भी करता है जो उसे करना भी चाहिए, उसका दायित्व है अपने क्षेत्र के प्रति कि उसके क्षेत्र में काम हो जाए। ऐसा नहीं है कि अगर जिला योजना समिति गठित नहीं हो पाई तो विकास के कार्य नहीं हुए। हाँ, उन जो जिला योजना समिति में जो व्यक्ति चुने जा सकते थे उनको जो उनको लाभ मिल जाता है वो अपने क्षेत्र में काम करा पाते, हो सकता है शायद वो ना करा पाए हो, लेकिन जिला योजना समिति के माध्यम से जो काम होते हैं वो हुए हैं, हो रहे हैं और होंगे, और
शीघ्र ही जो जिला योजना समितियां हैं उनका भी गठन होगा, प्रभारी मंत्री बन गए हैं, सब लोग अपनी अपनी दायित्व का निर्वहन करेंगे और प्रदेश का समग्र विकास होगा, सबका विकास होगा, मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। कब तक हो जाएगा समितियों का गठन, ये भी एक स्पष्टीकरण दे दीजिए कि आपको भी थोड़ी संतुष्टि हो जाए। उसके लिए पूरा प्रोसेस है, उसके लिए चुनाव का कार्यक्रम बनता है, कोई एक स्थान का नहीं होता, वो सारी जिला योजना समितियों के बकायदा चुनाव होते हैं और उसके चुनाव के जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया पालन करते हुए कराई जाती है और शीघ्र ही उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। चलिए नगे साहब, वो कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाएगी, पूरी प्रक्रिया के साथ समितियों का गठन भी किया जाएगा। अभी कोई सवाल आपका? गोयल साहब जो कह रहे हैं, गोयल साहब कह रहे हैं कि एक बात इन्होंने कही कि जो सदस्य होते हैं डीपीसी के, उनका जो ये होता है कि अपने क्षेत्र की योजनाओं को उसमें सम्मिलित कराएं। तो दरअसल मैंने जैसे पहले भी कहा कि ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी होती है कि जो प्रभारी मंत्री हैं, जो हमारे जिले के जो है जिलाधिकारी हैं, उन सीडीओ हैं, उन लोगों की भी जिम्मेदारी है कि हमको जिला योजनाओं में कौन कौन सी योजनाएं बहुत जरूरी हैं। और अब दरअसल दिक्कत क्या होती है कि मैंने तो इन चीजों को बहुत नजदीक से देखा है, होता क्या है कि प्रभारी मंत्री जी जो है खाली फॉर्मेलिटी निभाते हैं और एक सबको छूट दे दी जाती है कि चलो भैया सब सदस्य जो है इतना बजट है और उसके हिसाब से जो है सब अपनी हिस्सेदारी तय कर दो, इतना आपको मिलेगा, इतना आपको मिलेगा, इतना आपको योजनाओं को मिलेगा, इतने लाख की योजनाएं आपकी सम्मिलित होंगी, इतने लाख की आपकी सम्मिलित होंगी। जब इस प्रकार से योजनाएं सब लोग इस तरीके से भूमिका बनाएंगे तो निश्चित तौर पर हर सदस्य जो है चाहेगा कि अपने क्षेत्र को वो ज्यादा योजना खींचवाए। परंतु अगर हम सब लोग बैठ करके ये तय करें कि भाई कौन सी महत्वपूर्ण योजना है और किस योजना को पहले होना चाहिए, कौन सी ज्यादा जन महत्व की है, तो ये तो पॉलिसी बनाने के ऊपर है। अगर खाली हम सदस्यों के हिसाब से जो है फॉर्मेलिटी तय करेंगे, उनको उनके हिसाब से बजट दे देंगे कि इतना सिंचाई विभाग में आप इतना ले लीजिए, पीडब्ल्यू से आप इतना ले लीजिए, दूसरे विभाग का इतना ले लीजिए, तीसरे विभाग का इतना ले लीजिए, तो फिर वो इस तरीके से होता रहेगा। और उससे फिर क्या है कि जो समग्र जो हम जिला योजना की जो बात करते हैं उससे उसका जो है तात्पर्य जो है हल नहीं होता, उसका मकसद जो है उससे हल नहीं होता। फिर तो जिनकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितने जो सदस्य हैं, जो जिनका बहुमत है वो बहुमत के हिसाब से योजनाएं बना ले। ठीक है गोयल साहब, नेगी साहब कह रहे हैं कि योजनाओं के हिसाब से आप जब जो अगर आपको लगता है कि जो अच्छी योजना है, जो पहले कार्य होने चाहिए, उस हिसाब से कार्य होना चाहिए। देखिए मुझे लगता है कि जो बात मैं कह रहा था बाद में घूम फिर कर वही बात आ गई, थोड़ा इस बात का है कि हिस्सेदारी नहीं मिली और उन्हें हिस्सेदारी मिल जाती। और दूसरी बात यह है कि देखिए जो ये तो आदर्श और व्यवहारिकता की लड़ाई है, जो बातें सूरज सिंह जी कह रहे हैं आदर्श स्थिति तो वही बैठा होना चाहिए, लेकिन व्यवहारिकता सूरज सिंह नेगी जी जानते हैं कि किस प्रकार से होता है। इन्होंने सारा अपना भी बता दिया कि वहाँ जिनका बहुमत होता है वो आपस में बांट लेते हैं सबको, उसके हिसाब से चाहते हैं कि साहब इसकी योजना हमें मिल जाए, इसकी योजना हमें मिल जाए, पूरे क्षेत्र के लिए समग्र रूप से जो वास्तव में जो आदर्श स्थिति है, जिस बात सूरज सिंह नेगी जी ने नहीं कही कि बात तो ये होनी चाहिए कि जहाँ आवश्यकता वहाँ होना चाहिए, लेकिन व्यक्ति वहाँ जिस बात की करता है संघर्ष इस बात के लिए करता है ये प्रकार योजना उनके क्षेत्र को मिले। तो मुझे लगता है कि ये बहुत लंबी, ये तो अंतहीन बहस है कि ये मुझे लगता है कि इन सारी चीजों में व्यवहारिकता के साथ साथ आदर्श को भी साथ में जोड़ते हुए इन बात की स्थितियों को ठीक करने की आवश्यकता है, जो सबको मिलकर ही ठीक करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए नेगी साहब, समय भी समाप्त होता जा रहा है, आखिरी कमेंट आपका मैं चाहूंगी। बस यही है कि जल्दी से जल्दी जो है मंत्रियों की नियुक्ति हुई है और वो जल्दी से जो है जिला योजना समिति की बैठक करवाएं और उसके बाद जो है जो जिले के विकास की योजनाएं है उन पर काम आगे बढ़े और जो पंचायतों के जो है दृष्टि पंचायतों के प्रतिनिधि उसमें चुन के आए हैं उनको मौका मिले, उनके अधिकारों का हनन न हो, उनका जो अधिकार है वो उनको मिले, हम तो यही कहना चाहेंगे। ठीक है गोयल साहब। नहीं बिल्कुल, मैंने जैसा कहा शीघ्र ही जिला डीपीसी के चुनाव होंगे, डीपीसी के सदस्य जिला योजना समिति का भाग बनेंगे और वो निश्चित रूप से अपनी भागीदारी उसमें निभा पाएंगे और क्षेत्र के विकास को अपना योगदान दे पाएंगे, निश्चित रूप से ये बहुत शीघ्र होगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ, दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से ये बातें कही जा रही है कि समितियों का गठन कांग्रेस कर रही है कि जल्द से जल्द हो और उसके बाद बैठकों का दौर शुरू हो और उसके बाद विकास कार्य जो है वो शुरू हो और उत्तराखंड जो है वो विकास के आयाम पर के परवान पर चढ़े। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि जल्द से जल्द समितियों का गठन किया जाएगा, पूरी चुनावी प्रक्रिया को अपनाकर समितियों का गठन किया जाएगा, प्रभारी मंत्री नियुक्त कर दिए गए हैं, इसके बाद जो तमाम चीज़ें हैं वो प्रक्रिया पूरी करने के बाद उत्तराखंड में विकास के कार्यों को हवा दी जाएगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे एनबी न्यूज़। नमस्कार।